दोस्तों नूतन ने बहुत ही कम उम्र में इंडस्ट्री में एक कदम रखा, जिनका असली नाम नूतन समर्थ बहल है, लेकिन लोग इनको नूतन के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो आज हम नूतन के ऑल मूवीज नेम लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर वन, साल 1950 को नूतन की पहली फिल्म आई हमारी बेटी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर शोभना समर्थ, मोतीलाल नूतन और तनुजा नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर टू, साल 1991 में इनकी फिल्म आई नगीना। इस फिल्म के मुख्य एक्टर नूतन और नासिर खान नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर थ्री, इसी साल 1991 में इनकी फिल्म आई हम लोग। इस फिल्म के मुख्य एक्टर नूतन, बलराज साहनी, श्यामा और दुर्गा कोटे नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर फोर, साल 1992 में इनकी फिल्म आई शीशम। इस फिल्म के मुख्य एक्टर नासिर खान, नूतन और गोप नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर फाइव, इसी साल 1992 में इनकी फिल्म आई पर्वत। इस फिल्म के मुख्य एक्टर प्रेमनाथ, नूतन और के एन सिंह नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर सिक्स, इसी साल 1992 में इनकी फिल्म आई निर्मोही। इस फिल्म के मुख्य एक्टर नूतन, सज्जन और राज मेहरा नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर सेवन, साल 1953 में इनकी फिल्म आई लैला मजनू। इस फिल्म के मुख्य एक्टर शमी कपूर, नूतन, उल्लास, वस्ती और रतन कुमार नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर एट, इसी साल 1953 में इनकी फिल्म आई आगोश। इस फिल्म के मुख्य एक्टर नासिर खान, नूतन और शकीला नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर नाइन, इसी साल 1953 में इनकी फिल्म आई मालकिन। इस फिल्म के मुख्य एक्टर सज्जन, नूतन, प्राण और दुर्गा कोटे नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर टेन, साल 1954 में इनकी फिल्म आई शबाब। इस फिल्म के मुख्य एक्टर भारत भूषण और नूतन नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर इलेवन, साल 1955 को इनकी फिल्म आई सीमा। इस फिल्म के मुख्य एक्टर बलराज साहनी, नूतन और संतोष कुमार नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर ट्वेल्व, साल 1956 में इनकी फिल्म आई हीर। इस फिल्म के मुख्य एक्टर प्रदीप कुमार, नूतन और उल्लास नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर थर्टीन, साल 1957 में इनकी फिल्म आई बारिश। इस फिल्म के मुख्य एक्टर देव आनंद और नूतन नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर फोर्टीन, इसी साल 1957 में इनकी फिल्म आई पेइंग गेस्ट। इस फिल्म के मुख्य एक्टर देव आनंद और नूतन नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर फिफ्टीन, साल 1958 में इनकी फिल्म आई जिंदगी या तूफान। इस फिल्म के मुख्य एक्टर प्रदीप कुमार, नूतन, मीनू मुमताज और जॉन वॉकर नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 16, इसी साल 1958 में इनकी फिल्म आई चंदन। इस फिल्म के मुख्य एक्टर किशोर कुमार, नूतन और माला सिन्हा नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 17, इसी साल 1958 में इनकी फिल्म आई दिल्ली का ठग। इस फिल्म के मुख्य एक्टर किशोर कुमार और नूतन नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 18, इसी साल 1958 में इनकी फिल्म आई कभी अंधेरा कभी उजाला। इस फिल्म के मुख्य एक्टर किशोर कुमार, नूतन और कुमकुम नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 19, इसी साल 1958 में इनकी फिल्म आई सोने की चिड़िया। इस फिल्म के मुख्य एक्टर बलराज साहनी, तलत महमूद, नूतन और चंदा नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 20, इसी साल 1958 में इनकी फिल्म आई आखिरी दाव। इस फिल्म के मुख्य एक्टर शेखर, जीवंधर, नूतन, मीनू मुमताज और जॉनी वॉकर नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 21, इसी साल 1958 में इनकी फिल्म आई लाइट हाउस। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अशोक कुमार, जॉनी वॉकर, नूतन और राजन कपूर नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 22, साल 1959 में इनकी फिल्म आई अनाड़ी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राज कपूर, नूतन, मोतीलाल और ललिता पवार नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 23, इसी साल 1959 में इनकी फिल्म आई कन्हैया। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राज कपूर, नूतन, मदन पुरी और ललिता पवार नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 24, इसी साल 1959 में इनकी फिल्म आई सुजाता। इस फिल्म के मुख्य एक्टर सुनील दत्ता, नूतन और शशिकला नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 25, साल 1960 में इनकी फिल्म आई बसंत। इस फिल्म के मुख्य एक्टर शम्मी कपूर, नूतन, प्राण और मीनू मुमताज नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 26, इसी साल 1960 में इनकी फिल्म आई छबीली। इस फिल्म के मुख्य एक्टर केसी मेहरा, नूतन, तनुजा और के एन सिंह नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 27, इसी साल 1960 में इनकी फिल्म आई छलिया। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राज कपूर, नूतन, प्राण, रहमान और शोभना समर्थ नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज बनाया। नंबर 28, इसी साल 1960 में इनकी फिल्म आई मंजिल। इस फिल्म के मुख्य एक्टर देव आनंद, नूतन, महमूद, के एन सिंह और प्रतिमा देवी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 29, साल 1962 में इनकी फिल्म आई सूरत और सीरत। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, नूतन, के एन सिंह, इफ्तेखार और आसिद सिंह नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 30, इसी साल 1963 में इनकी फिल्म आई बंदनी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अशोक कुमार, धर्मेंद्र और नूतन नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही।
नंबर 31 इसी साल 1963 में इंटर फिल्म आई तेरे घर के सामने। इस फिल्म के मुख्य एक्टर देव आनंद, नूतन, राजेंद्र नाथ और ओम प्रकाश नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 32 इसी साल 1963 में इनकी फिल्म आई दिल ही तो है। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राजकुमार, नूतन और प्राण नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 33 साल 1964 में इनकी फिल्म आई चांदी की दीवार। इस फिल्म के मुख्य एक्टर भारत भूषण, नूतन, इंद्रानी मुखर्जी और हनी ईरानी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 34 साल 1965 में इनकी फिल्म आई रिश्ते नाते। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राजकुमार, जमुना और नूतन नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 35 इसी साल 1965 में इनकी फिल्म आई खानदान। इस फिल्म के मुख्य एक्टर सुनील दत्त, ओम प्रकाश, नूतन, प्राण और मुमताज नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 36 साल 1966 में इनकी फिल्म आई छोटा भाई। इस फिल्म के मुख्य एक्टर रणधीर, नूतन, सुलोचना चटर्जी, रहमान और ललिता पवार नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 37 इसी साल 1966 में इनकी फिल्म आई दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, नूतन, रहमान और जीवन नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 38 साल 1967 में इनकी फिल्म आई दुल्हन एक रात की। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, नूतन और रहमान नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेमिट रही। नंबर 39 इसी साल में इनकी फिल्म आई लाड साहब। इस फिल्म के मुख्य एक्टर शमी कपूर, नूतन, मुराद और प्रेम चोपड़ा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 40 इसी साल में इनकी फिल्म आई मिलन। इस फिल्म के मुख्य एक्टर सुनील दत्त, नूतन, प्राण और जमुना नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 41 इसी साल 1967 में इनकी फिल्म आई मेहरबान। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अशोक कुमार, सुनील दत्त, नूतन, महमूद और शशिकला नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 42 इसी साल में इनकी फिल्म आई मेरा मुन्ना। इस फिल्म के मुख्य एक्टर रहमान, मनोरमा, नूतन और आसिद सेन नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 43 साल 1968 में इनकी फिल्म आई गौरी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर सुनील दत्त, संजीव कुमार, नूतन और मुमताज नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 44 इसी साल में इनकी फिल्म आई सरस्वती चंद्र। इस फिल्म के मुख्य एक्टर नूतन, मनीष, सुलोचना और विजय चौधरी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 45 साल 1969 में इनकी फिल्म आई भाई बहन। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अशोक कुमार, सुनील दत्त, नूतन, पद्मिनी और हेलन नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया।